मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद म्यूजी के भारत दौरे पर यूं तो क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी ये बात कही गई है, लेकिन सबसे अहम है द्विपक्षीय संबंधों पर जोर। हालांकि सरकारी तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पूरी संभावना इस बात की है कि राष्ट्रपति म्यूजू के इस दौरे के दौरान और प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात के दौरान जो मालदीव को भारतीय आर्थिक सहयोग पर बड़ी चर्चा होगी, इसे एक तरह से बेल आउट पैकेज भी कहा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि मालदीव की जो आर्थिक हालत है वो बहुत ही खस्ता है और कर्जों को न चुका पाने की वजह से यहाँ आर्थिक संकट की जो स्थिति है, जो आशंका है वो जताई जा रही है। मालदीव से मिल रही जानकारी के मुताबिक यहाँ का जो विदेशी मुद्रा भंडार है मालदीव का, वो बस इतना रह गया है कि मालदीव महज 1.5 से 2 महीने तक अपने आयात का जो भुगतान है वो कर सकता है। जो ज़रूरी चीज़ें वो बाहर से मंगाता है उसके भुगतान के लिए बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार उसके पास नहीं रह गया है। ये करीब 440 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रह गया है, जो कि 1.5 से 2 महीने तक के भुगतान के लिए ही काफ़ी बताया जा रहा है। और इस बीच मूडी ने भी मालदीव के आर्थिक संकट में जाने की आशंका जताई है। मालदीव की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको भी डाउनग्रेड कर दिया गया है, और ऐसे में भारत से मिला आर्थिक सहयोग ही मालदीव की अर्थव्यवस्था को एक सहारा दे सकता है, उसे बचा सकता है। और इसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती देना है तो भारत से आर्थिक सहयोग की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है। म्यूजू बेशक जो है वो इंडिया आउट जैसे नारे को देकर सत्ता में आए हों, और सत्ता में आने के बाद सबसे पहले चीन गए हों, बाद में वो टर्की भी गए, और चीन में जब वो गए तो 20 समझौते किए, वहाँ से आर्थिक पैकेज भी लेकर आए, लेकिन पड़ोसी देश भारत के सहयोग के बिना मालदीव्स की जो अर्थव्यवस्था है वो चलनी मुश्किल लग रही है। और एक जानकारी के मुताबिक ये भी कि म्यूजू जो है वो 400 मिलियन का जो करेंसी स्वाप डील है उस पर जोर दे सकते हैं, ताकि मालदीव के विदेशी मुद्रा भंडार को मदद मिल सके, उसे सहारा मिल सके। म्यूजू के सत्ता में आने के बाद मालदीव और भारत के रिश्तों में काफ़ी तनाव देखा गया है। म्यूजू ने मालदीव में करीब जो वहाँ पे जो करीब 80 के आसपास जो भारतीय सेना के जो लोग थे जो कि मानवीय कार्यों में लगे थे, उनकी मौजूदगी को ख़त्म कर दिया और हाइड्रोग्राफिक समझौते को भी आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। लेकिन म्यूजू के नेतृत्व में मालदीव जो है अब कोर्स करेक्शन की राह पर लग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में उनको निमंत्रित किया गया था और वो आए भी थे, और हाल के अमेरिकी दौरे में पीएम मोदी से उनकी मुलाकात भी हुई। लेकिन अब जो है उनका ये पहला द्विपक्षीय दौरा है भारत का, और इससे पहले म्यूजू जो है वो अपने उन्होंने 2 मंत्रियों को हटा दिया है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। तो मालदीव जो है वो श्रीलंका में जो आर्थिक संकट आया था उसका दौर भी देख चुका है, और तब चीन श्रीलंका को बचाने नहीं आया था बल्कि भारत जो है उसी ने मदद का हाथ बढ़ाया था। और अब जो है मालदीव जो आर्थिक संकट की ओर तेज़ी से बढ़ता नज़र आ रहा है, तो भारत जैसा एक बड़ा पड़ोसी देश और जो कि लगातार परंपरागत तौर से मालदीव्स की मदद करता रहा है, वही मालदीव्स की मदद कर सकता है। ये बात राष्ट्रपति म्यूजू को समझ में आ गई है, और इसलिए जो ये दौरा और ज़्यादा अहम हो जाता है, और जो देखने की बात होगी कि औपचारिक तौर पर इस दौरे के दौरान क्या बात होती है और किस तरह का ऐलान होता है। लेकिन एक बेल आउट पैकेज की जो बात है वो तमाम सूत्रों के हवाले से की जा रही है।